बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमारे वर्ड स्टोरीज में हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। हमारा ऑडियंस है ओ लेवल मैट्रिक और इंटर के बच्चे, और हम वर्ड्स के रूट्स पे बात कर रहे हैं ताकि लफ्ज़ों के कनेक्शन समझ आएँ और हम वोकैबुलरी को तेज़ी से बढ़ा सकें। देखें, ये जो वर्ड है लियोनाइन, लियो का मतलब हमने शायद किसी स्टेज पे पढ़ा है, लियो का मतलब होता है लायन, लियोनाइन लायन जैसा, ठीक। केनाइन कुत्ते जैसा, कुत्ते की तरह का, जैसे होते हैं ना केनाइन टीथ भी होते हैं, टीथ नेचर ने, अल्लाह ताला ने ज़बरदस्त किस्म के डिज़ाइन किए हुए ना। अब कुत्ते के ये टीथ होते हैं, ये खास तौर पे काटने के लिए होते हैं। इंसान के भी ये जो इस साइड पे टीथ होते हैं, इसीलिए उनको केनाइन टीथ कहते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह फीलाइन लाइक कैट, तो कैट की ढेर सारी को 37 स्पीशीज़ हैं, ये लिंक्स, जैगुआर, चीता, समथिंग समथिंग, तो वो सारी फीलाइन ही कहलाती हैं। फीलाइन अदरवाइज एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल होता है कि ख्वातीन के लिए, जैसे हर गेट वाज फीलाइन, यानी ग्रेसफुल तरीके से चलने को भी फीलाइन कहते हैं। और एक दो और कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ होता है। पोर्क पोर्काइन लाइक अ पिग, पिग से मुतल्लिका। वल्पाइन ये शायद फॉक्स से मुतल्लिक है, हाँ फॉक्स से। उर्साइन ये बियर से है, लाइक बियर, लाइक ल्यूपाइन, ये ल्यूपाइन अब मुझे भूल गया लेकिन आप देख सकते हैं, हाँ ये वुल्फ होगा, वुल्फ होगा, ठीक है। इक्वाइन, इक्वाइन घोड़ा, इक्वेस्ट्रियन जो बंदा घोड़े पे सवार हो, जिस तरह हमने पहले किया था ना पेडेस्ट्रियन जो पैदल चल रहा हो, इक्वेस्ट्रियन जो घुड़सवार यानी जिसको बोलते हैं। पिसाइन, पिसाइन गार्डन, फिश फॉर अ फिश, लाइक अ फिश। मैं अक्सर कंफ्यूज कर जाता हूँ इक्वाइन और एक्विलाइन को। एक्विलाइन होता है उकाब की तरह, लाइक एन ईगल। तो एक्विलाइन, जैसे एक्विलाइन नोज मशहूर है कि जिन बंदों के बड़े इस तरह नोज़ होते हैं ना, बंदों के या लेडीज़ के, तो एक्विलाइन नोज मतलब सिंबल ऑफ ब्यूटी। तो ये एनिमल्स के कुछ वर्ड्स जो मशहूर हैं और आने चाहिए, ख़ास तौर पे काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह फ्लैश से मुतल्लिक हमने पढ़ा था कार्न, कार्नल, कार्नेज, ठीक है। कार्नेज यानी कि मैसेकर, ब्लडशेड, कत्लेआम, ठीक है। इसमें इनकार्नेट इन बॉडी फिजिकल, कार्नीलियन गोश्त जैसे रंग को कहते हैं। कार्नल कार्नेलिटी ये बॉडीली सेक्सुअल डिज़ायर्स, तो इस किस्म की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें जो इंटरेस्टिंग वर्ड है वो ये है इन री इनकारनेशन, दोबारा गोश्त आ जाना, यानी कि दोबारा पैदा होना। ये जो हमारा मज़हब का कॉन्सेप्ट है ना कि लोग दोबारा पैदा होंगे, तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं री इनकारनेशन पर हम यकीन रखते हैं, रीबर्थ, ठीक है ना। तो वो रीबर्थ के मुख्तलिफ मज़हब के मुख्तलिफ हैं, बाज़ कहते हैं कि जिन्हें उसकी साउल जो है डिफरेंट बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। मुसलमानों का है कि जी यही हम हमारी ज़िंदगी का तसलसल जारी रहता है, एंड वी बिकम द सेम पर्सन अगेन। तो ये री इनकारनेशन का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। इस तरह ये थियोलॉजी में, थियोलॉजी हमने पढ़ा था ना, थियालो थियो मीन्स गॉड, थियोलॉजी द स्टडी ऑफ रिलीजन, तो ये थियोलॉजी में ये वर्ड आता है। तो मेरे ख्याल में ये इधर ही ख़त्म करते हैं, ये दो कैटेगरीज काफ़ी हैं, फिर वी मूव ऑन।